हेलो स्टूडेंट्स, दे पिछले हफ्ते हमने एक्सरसाइज 3.1 के चार सवाल कंप्लीट किए थे। आज एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो चार क्वेश्चनों में हमने घन सीखे, कौन से सम संख्याएं घन हैं, कौन से विषम संख्याएं घन हैं, घन के मतलब कौन कौन से घन हैं, और घन निकालने सीखे। आज हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे पाँचवा क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त अभीष्ट पूर्ण घन भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या इसका टुकड़े करने हैं। पहले ये मतलब 675 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, लेकिन इसमें कितने से गुणा कर दें जो कि वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखिए 675 के हमने टुकड़े करें, 3 × 6, 3 × 6, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5। अब देखिए यहाँ 3 के तो तिकड़ी बन गई, ठीक है, लेकिन 5 की नहीं बनी। तो इसमें घन बनाने के लिए एक 5 की कमी है, अतः इसमें 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। जब 5 से पूर्ण घन 5 से गुणा कर देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, देखिए तो 675 × 5 = 5 × 5 = 25, 25 × 5 हासिल लगा 2, 5 × 7 = 35 और 2 = 37, 37 × 7 हासिल लगा 3, 5 × 6 = 30 और 3 = 33। अब आपको इसकी घन भी निकालना है, ठीक है, ये इस तरीके से करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इस तरीके से ही जैसे मैंने 5th बताया, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक सिरे की माप 3.8 सेंटीमीटर हो। देखिए घन की सिरे की माप यानी घन की भुजा दे रखी है ये 3.8 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन निकालना। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3, यानी 3.8 की घात 3, 3.8 × 3.8 × 3.8, और इनकी जब आपस में हम गुणा करेंगे तो आएगा 54.872 सेंटीमीटर की क्यूब। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और बच्चों, आपके कल से यानी कि 1 तारीख से रिवीजन वर्क शुरू हो जाएगा, तो जो बच्चे छूट गए हैं वो भी अपना ऐड हो जाएं, फीस जमा करा दें, वरना फिर आपको पेपर वेपर देने में परेशानी होगी, पेपर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।